आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं शेफ सुनील कुमार और स्वागत है आपका आपकी अपनी रूट्स किचन में। एक बार फिर से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है आपके लाइक्स और सब्सक्राइब के थ्रू। आज हम झटपट कुछ एक ऐसा स्नैक्स बनाएंगे जो आपके काम आएगा डेली लाइफ में, जो टी टाइम है आपका, इवनिंग टी टाइम है, मॉर्निंग टी टाइम है, और चाहे वेलकम हो आपके गेस्ट का, तो सब जगह काम आने वाला है। ये जो इंग्रेडिएंट्स मैं लेकर आया हूँ, ये जो कबाब लेकर आया हूँ, ये जो डिश रेसिपी लेकर आया हूँ, ये एक ऐसी बेसिक रेसिपी है जो आपके घरों में हर एक के घर में मिलने वाली है, लेकिन यूज इस तरीके से नहीं हुई है। तो जैसा कि आपको हिंट मिल ही गया है कि क्या बनने वाला है, तो मैंने बोला जैसे कि कबाब है, तो हाँ आज कबाब ही बनने वाला है। और जो एक बेसिक इन्ग्रीडियंट जो मैंने आज लिया है, पिक किया है, वो है ये बेसन से बनी हुई एक नमकीन सेव, जो हम खाने में भी काम लेते हैं, स्नैक्स में भी काम लेते हैं। तो जी हाँ, आज इसी से बनने वाला है ये बेहतरीन दिलचस्प कबाब, जो हर एक फैमिली मेम्बर की टंग पैलेट पे आएगा, टेस्ट पैलेट पे आएगा, सबको पसंद आएगा ही आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये नमकीन सेव से बने हुए कबाब। तो आइए देखते हैं जो मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं वो क्या हैं। तो पहला है ये सेव, जो मैं बता चुका हूँ कि नमकीन सेव मोटे वाले सेव हैं, और इसी के साथ पेयर किया है मैंने एक दूसरी और नमकीन, जो है भुजिया, आलू भुजिया। तो मैं 60% और 40% का जो रेशियो है वो इसमें काम में लूँगा। दूसरा मेन इंग्रेडिएंट्स है वो लिया है थोड़ा जो सपोर्टिव इंग्रेडिएंट्स है, इट्स नॉट अ मेन इंग्रेडिएंट पर सपोर्ट में काम करेगा, और वो है ये सोया ग्रैनुल्स। जो सोया बड़ी है उसका जो क्रस है, जो चूरा है, वो इसमें काम में लिया है। ये देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्रंच है इसके अंदर, इसके अंदर बाइंडिंग देगा, बहुत अच्छी बॉडी देगा, क्रिस्पीनेस देगा कबाब के अंदर, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ आप जाने वाली है। और ये है ब्रेड क्रम, और ब्रेड क्रम को मैंने मिला लिया है थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर के साथ में, ताकि कोई भी चूक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, कबाब एकदम, जो कबाब की जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी, इसके साथ कोई क्रैक्स नहीं आएंगे, फटेगा नहीं ड्यूरिंग द फ्राई। और फ्राई करने के भी इसमें दो ऑप्शंस हैं, आप चाहो तो इसे सेलो फ्राई कर सकते हैं, आप चाहो तो डीप फ्राइड कर सकते हैं। आपको लगता है कि थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हुआ जाए तो सेलो फ्राई कीजिए, तवे पे कीजिए, रोस्ट कीजिए ओवन में, चलेगा। तो और उसके बाद में है ये थोड़ा सा पोटैटो, जो मैंने बॉईल किया हुआ है, बॉईल करने के बाद में, ग्रेट करने के बाद में ये आपके सामने है, थोड़ा सा हम यूज़ करेंगे पोटैटो। और इसके बाद में बारी आती है इन मसालों की, तो मैंने लिया है जीरा, कुछ खड़े मसाले हैं जिसके अंदर है ग्रीन कार्डमम, ब्लैक पेपर, थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिली, गार्लिक, जिंजर, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक, थोड़ा सा गरम मसाला। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा ये ट्विस्टेड नायाब, छोटा सा प्यारा सा और जल्दी से बनने वाला झटपट बेसन के सेव के कबाब। आइए देखते हैं। तो चॉप जिंजर और चॉप कोरिएंडर के अलावा हमें चाहिए होगी चॉप अनियन, चॉप ग्रीन चिली। तो आइए चॉप करते हैं थोड़ा सा अनियन। तो यूज़ करते हैं थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, होल क्यूमिन, हरी इलायची जो देगी इसमें जाएगा, काली मिर्च, लौंग जो क्लोव है वो, ग्रीन चिली, और जब तक ये सोते होगा तब तक हम डालेंगे ये लहसुन, थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं, और लहसुन का जो अपना जायका है कबाब में बहुत इम्पोर्टेंट है। अब डालेंगे थोड़ा चॉप जिंजर, अनियन, जितना फाइन अनियन काटेंगे उतना ठीक रहेगा, मुंह में नहीं आएगी, अदरवाइज वो ग्राइंड करना पड़ेगा।
तो ग्राइंड ना करें इसलिए हम ले लेते हैं ये बारीक कटी प्याज। थोड़ा सौते करेंगे, हाँ हाँ जैसा मैंने बोला कि इलायची जो है सबसे पहले अपने आप को रिड्यूस कर देती है, अपना जायका सबसे पहले छोड़ना स्टार्ट कर देती है। ब्लैक पेपर और इलायची, धीमी आंच पे भूनते रहें, 3 से 4 मिनट लगेंगे। अनियन अपना जो कलर है वो छोड़ने लगेगी, ट्रांसपेरेंट होने लगेगी, उसके बाद में थोड़ा सा ब्राउन होने लगेगी। तो अब बारी है रेड चिली पाउडर की, डालते हैं थोड़ा टर्मरिक, धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट सॉल्ट। सॉल्ट नहीं तो कुछ नहीं। थोड़ा सौते करते हैं और पकने देते हैं इन मसालों को। तो ग्रीन कोरिएंडर के साथ में मैंने जो उनका जो स्टेम है वो स्टेम का पोर्शन बहुत ज़्यादा यूज़ किया, जैसे आप देख सकते हैं ये जो बर्ड्स हैं इनके अंदर जो लिक्विड है, जो जूस है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर छोड़ता है कबाब के अंदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा मैंने डाला है, देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मसाले पकने लग गए हैं, अनियन ट्रांसप्लेंट हो चुका है, जो होल मसाले हैं, जो स्पाइसेस हैं, गरम खड़े मसाले, उन्होंने अपना फ्लेवर छोड़ना चालू कर दिया है। जैसे मैंने बोला क्विक कबाब है, 10 मिनट के अंदर बन जाएगा, तो मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। मैं डाल रहा हूँ अभी ये सेव, और भुजिया, आलू की भुजिया है, सारे मसाले इसके अंदर ऑलरेडी बैलेंस रहते हैं, पर हम थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर ताकि एक और अच्छा जायका आ जाए इस कबाब के अंदर। सोया ग्रैनुलर्स, जैसे मैंने बोला कि आपके पास अगर सोया ग्रैनुलर्स घर में अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास सोया बड़िया रहती हैं, जो सोया बड़ी हैं आप उनको क्रश कर लीजिए, ग्रैनुलर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, थोड़ा सा स्ट्रेन कर लीजिए और आप वो भी डाल सकते हैं। तो एक्चुअली ये सेम चीज़ है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, हम डालते हैं इसके अंदर, थोड़ा सौते करेंगे, अच्छे से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कि बहुत अच्छे से मिल चुका है। लास्ट अभी जो बॉइल पोटैटो है वो पील करके मैंने सीव किया है, तो वह मैं थोड़ा सा इसके अंदर डाल रहा हूँ ताकि एक अच्छी बॉडी मिल जाएगी और कबाब जो है हमारे बहुत ही सिल्की बनेंगे। ये मिल चुका है लगभग, सारे इंग्रेडिएंट्स मिल चुके हैं अच्छे से, फ्लेवर छोड़ना चालू हो चुका है, नमकीन को बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सेव ऑलरेडी पका हुआ है। तो अब टाइम है पानी डालने का, तो हम डालेंगे हाफ कप से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब धीरे धीरे जो सेव है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा। पानी की क्वांटिटी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा नहीं डाली है, मैंने सिर्फ हाफ कप डाला है ताकि जो मॉइस्चर है जो पानी के अंदर वो जो सेव है उसके अंदर चला जाए, सेव पफी हो जाए और मैश होना स्टार्ट हो जाए। तो मैश करने के लिए या तो आप ग्राइंडर के अंदर आप ग्राइंड कर सकते हैं, अगर आपको और भी शॉर्टकट है और भी ज़्यादा जल्दी है और कम टाइम है बनाने के लिए तो आप यूज़ करेंगे इस मैशर का, तो मैं मैशर यूज़ करने वाला हूँ। तो पाव भाजी की तरह बस मैश करते चले जाएं और इसका जो पानी है वो इवेपोरेट करना है, सूख जाए बस पानी। तो जो कबाब का जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है, काफ़ी अच्छे से मैश कर दिया मैंने मैशर से, तो हमें ग्राइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो हार्ड सब्सटेंस था, हार्ड जो ऑब्जेक्ट था खाने का, वो कुछ भी था नहीं, तो हम लोगों ने बिना ग्राइंड किए ही ये कबाब बनाया है। तो अब बारी है कबाब को शेप देने की, यू कैन सी दिस स्मूथनेस, कोई भी हार्ड ग्रेनुलर्स नहीं है, सो यू कैन सी दिस वेरी वेल बेटी, बहुत ही अच्छी जो इसकी जो शामी है, जो कबाब है वो बनने वाला है।
अगर आपको लगता है कि इसके अंदर बाइंडिंग के अंदर आपको कुछ इम्प्रूव करना है तो आप ऐड कर सकते हैं, जो हम लोगों ने कॉर्नफ्लावर और ब्रेड क्रम का जो मिक्सचर लिया था आप वो ऐड कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर है, क्योंकि मॉइस्चर पूरा जल चुका है, इसके अंदर काफ़ी स्टिफ है तो बाइंडिंग की उतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो चलो आप शेप देते हैं इन्हें। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बहुत ही प्यारी सी शेप आ रही है, हार्ट शेप, जितनी प्यारी शेप है उससे ज़्यादा ये बेहतरीन कबाब है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने तीन तरह की अलग अलग शेप्स बनाई है। एक हार्ट शेप है, राउंड शेप है जो पैटी वाले जो शेप है वो बनाया है, और एक बैरल वाला। तो आप मन चाहे शेप बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद आए, जो आपको सहूलियत लगे, जिसमें आपकी एक्सपर्टाइज है आप वो बनाएं, अलग अलग तरह के शेप बनाएं और आनंद लें लाजवाब वेजिटेरियन कबाब का। कुक करने के लिए, कबाब को सेकने के लिए, कुक करने के लिए आपके पास, जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि दो तीन तरह के अलग अलग ऑप्शंस हैं। आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि अगर कबाब हैं, तवे कबाब हैं, तो इनको हम शैलो फ्राई ही करेंगे। आई कैन सी द शेयरिंग है बहुत अच्छे से हो रही है। नाउ विल टर्न दिस कबाब। वाओ, लुक एट दिस गोल्डन कलर। बहुत ही अच्छे तरीके से सही टेम्परेचर पर पक रहा है। यू कैन सी बहुत अच्छे से पक चुका है। सो फाइनली वेट इज ओवर, सेब के कबाब बन के तैयार है। टेस्ट करते हैं। पहला जो क्रंच है उसी से आपको पता चल जाएगा कि कितना परफेक्टली कुक हो चुका है, और अंदर से पूरा वेलवेटी है, बहुत ही ज़्यादा सकुलेंट है, मुंह में जाते ही घुल गया है। तो देर ना करें, सरप्राइज दीजिए आपके फैमिली मेम्बर्स को, अपने गेस्ट को, और लूटिए वाह भाई इस वेजिटेरियन कबाब से। जल्दी से बनाइए, झटपट 10 मिनट में बनने वाला सेब का कबाब।